न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा जिले के तहसील सिरमौर के अंतर्गत आने वाले गढ़ थाने की बताई जा रही है। बताया जाता है कि नेवरिया गांव का ट्रांसफार्मर करीब 1.5 महीने से जला हुआ है। आपको बता दें कि इसकी वजह से ग्रामीणों को पानी बिजली जैसी कई समस्याएं आ रही हैं। वहीं इस समय चुनाव भी हो रहे हैं जिसमें लाइट भी एक बड़ी समस्या है। बताया जाता है कि गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर 100 हॉर्स पावर का था। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में ग्रामीणों का क्या कहना है। ग्राम नेवरिया ब्लॉक गगेओ जिला रीवा का मैं निवासी हूँ। मेरे यहाँ 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी नहीं है पीने के लिए, दूसरे दूसरे गांव से जाके हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं पीने और नहाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और 1 तारीख को हमारे गांव में चुनाव भी है जिसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी और बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए और हम लोग किसान आदमी हैं, किसान के लिए सबसे अब समस्या ये है कि खेती करना है, पानी नहीं है तो बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है, करीबन 1 महीने हो गया। हम लोग किसान भी हैं, खेती किसानी करते हैं, साल महीना आ गया है। छोटे छोटे बच्चे पानी बिना मर रहे हैं। अब बताइए क्या किया जिससे ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। हमारे मेरे ग्राम नेवरिया का ट्रांसफार्मर जो 100 हॉर्स पावर का लगा हुआ था वो जल गया है। मेरे गांव नेवरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है। लड़कों की पढ़ाई की भी समस्या है और आगामी 1 तारीख को चुनाव है जो इसकी पोलिंग ग्राम नेवरिया में ही है। तो वहाँ तो ना लाइट है ना पानी है, कितनी बड़ी समस्या है। इस कारण से अस्त निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, इसको नया लगवाया जाए। इसको इसी क्षेत्र में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जो कि 1 महीने से तकरीबन ख़राब है और छात्रों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और पानी की आवश्यकता जैसे कि सभी को होती है और हाल में हो रहे चुनाव के कारण लाइट की आवश्यकता भी है। इसलिए ट्रांसफार्मर जला हुआ है, इसका सुधार कार्य जल्द से जल्द प्रशासन से हमारी मांग है कि करने का प्रयास करें। जी सर, मेरा नाम विजय त्रिपाठी है, मैं ग्राम नेवरिया गंगेय ब्लॉक जिला रीवा से बोल रहा हूं। हमारे यहां सर ट्रांसफार्मर 1 महीने हो गया जले, जो कि पूरे गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है और पानी का खाली ट्यूबवेल के अलावा कोई साधन नहीं है। यही एक साधन है। चुनाव भी आ गया 1 हफ्ते बाद, 1 तारीख को अपने यहाँ वोटिंग है, जो कि उसमें भी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यही सर समस्या है सर, पूरा गांव परेशान है। पानी का पानी नहीं है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, अब खेती किसानी भी इसी से चल जाती है।